लिसन टू अ स्टोरी स्टोरी, कहानी सुनो, लिसन टू अ स्टोरी स्टोरी, कहानी सुनो, मामा कहानी सुनाओ ना, पापा टेल मी अ स्टोरी, दादी माँ नानी माँ कैन यू टेल मी अ स्टोरी। हेलो बच्चों, आज की कहानी है नदी का पानी। असम में एक छोटी जगह है नाजीरा। आशीष और सोना वहीं रहते थे। उनका घर दीखू नदी के किनारे था। दीखू नदी नागालैंड से बहती हुई उनके घर के पास से गुजरती थी। आशीष और सोना हमेशा नदी के किनारे जाके बहुत खेलते थे। वहां की मुलायम मिट्टी से उन्हें खेलना बहुत मजा आता था। एक दिन वो स्कूल से वापस आए। उन्होंने अपनी बैग फेंकी और भागे। नदी की तरफ गए तो दोनों ने देखा जहां वो खेलते थे वो पूरा पत्थर पानी से भरा हुआ है, यानी नदी का पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है। आशीष ने सोना से कहा, सोना ये पानी इतना ऊपर कैसे आया? सोना ने कहा, ये तो पता नहीं भैया, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। दोनों सोच रहे थे कि नाजीरा में तो एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी और इतनी धूप है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पानी इतना भर रहा है। हमें जाके सबको चेतावनी देनी चाहिए, सबको बताना चाहिए। सोना और आशीष दोनों एक साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, हम सबको चेतावनी देंगे। दोनों घर गए, माँ को बताया और माँ ने उनसे कहा, जल्दी जल्दी जो जरूरी सामान है अपना वो किसी बैग में पैक करो। सोना तुम जाके सभी को बता दो। सोना घर से भागी। 10-12 जो घर थे जो नदी के पास में थे उन सब को सोना ने जाके चेतावनी दे दी और सभी को कहा, भागो भागो, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, नदी का पानी बहुत ऊपर आ गया है। सभी ने सोना की बात जल्दी से मान ली क्योंकि उनको पता था कि ये बच्चे कभी भी यूं ही कोई बात नहीं कहेंगे। सभी ने जरूरी चीजें बैग में पैक की और भागे। जब तक सोना और आशीष और माँ निकलते तब तक पानी अंदर आने लगा था। उनका घर नदी के सबसे पास था। पानी बहुत तेजी से आ रहा था और पानी में सांप और बिच्छू और कई मरे हुए बहुत सारे प्राणी दिख रहे थे। बहुत डर लगा आशीष को, लेकिन फिर भी वो भागा। सोना और माँ उसके आगे थे। अचानक एक छोटा लड़का दीपू उसे दिखा। दीपू पीछे छूट गया था क्योंकि दीपू के पैर में चोट आई थी। उसने फटाक से दीपू को उठाया और भागा। सभी ऐन मौके पे जाके एक ऊंचे टीले पे पहुंच गए। पीछे मुड़के सभी ने देखा तो पानी इतनी तेजी से आ रहा था कि आधे घंटे में सारे घर डूब गए। दोपहर का वक्त, ऊपर धूप, किसने सोचा था कि ऐसे हो सकता है। लेकिन माँ ने सभी को बताया, 20 साल पहले यही हुआ था। नागालैंड में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो दीखू नदी, यहाँ पे वो पानी पूरा भर जाता है और दीखू नदी बहने लगती है। आज वही हुआ। सभी ने आशीष और सोना को बहुत शाबाशी दी और कहा, सबसे अच्छे बच्चे हो, अब हम सब कुछ दिनों के लिए यहाँ के गेस्ट हाउस में रहेंगे और जब पानी नीचे चला जाएगा तो
तो हम अपने घरों के लिए वापस लौट जाएंगे। सोना और आशीष बहुत खुश थे, डरे हुए थे लेकिन बहुत खुश थे। हाय, मैं हूँ स्वाति। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।